सूरज पूरे विश्वास और लगन के साथ ना गयो है, ठाकुर जी की कृपा रही तो सूरज जरूर सफल होकर आवे को। मारे को तो ना पूरा भरोसा है कि सूरज का होटल बनाने का सपना जरूर पूरा होवेगा। देखो जी, विक्रम की दुकान भी अच्छे से चल रही है, बस इमली की ही चिंता हो रही है। दिन रात मेहनत करे है, मारे को गर्व है कि वो स्वाभिमान किसी के आगे हाथ न फैलाना चाहे। आज बड़ी छोटी है, काल ने बड़ी होवेगी, खर्चा भी बढ़ेगा। और आप तो जानो ही, मोहित से उम्मीद रखने को मतलब है पानी से दिया चलाने वाली बात। और परी के डॉक्टर बनने में भी खर्चा होगा, फिर उसका ब्याह भी करना होगा। और संतोष, मने तो पूरा विश्वास है सूरज पर, वो सब कुछ संभाल लेगा। तू बेकार में परेशान हो रही है। अजी, मारे को पता है कि सूरज सब कुछ संभाल लेगा, पर इमली बीनने के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचनी चाहिए। जेठ जेठानी ना आखिर जेठ जेठानी हो गए, हम दादा दादी होने के नाते हमें कुछ करना चाहिए। एक काम करा, आपा जी घर इमली बिन्नी के इनाम कर दिया। आगे ने जाकर के ना माँ बेटी एकदम सुरक्षित हो जाएगी, उनको भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। के कहना है जी आपको? बात तो तू सही कह रही है संतोष, सूरज ने आने दे, फिर बात करते हैं। ठीक है जी। हे मारे पहाड़ी वाले बाबा, जे 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 मैंने के सुन लिया, आटे तो पूरा घर ही लुटाने जा रही है दोनों। इतना बड़ा घर देवरानी जी की झोली में टपक जाएगा। अरे ऐसे कैसे, ना 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 मिनोड़ी, भगवान भी चाहता है कि तू कौन बिना कौन करती रहे। अरे कुछ तो सोच मीना सियानी, दिमाग चला, मैं छिपकली को तो ना लेने दूंगी ये घर। आपा जी घर इमली बिन्नी के इनाम कर दिया। ये क्या, तुम्हारे चेहरे पे तो चिंता की कितनी सिलवटें दिखाई देने लग गई हैं, हैं? लगे हैं तुम अपनी जिंदगी में खुश कोनी। नहीं जेठानी जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। खुश हो सचमुच? लगता तो कोनी। एक बात कहूँ, जो तुम्हारी छोरी ने सोचा है ना, बिल्कुल सही सोचा, तुम्हें दूसरा ब्याह कर ही लेना चाहिए। एक बात बताओ, ऐसी छोरी मिलना बड़ा मुश्किल है जो अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचे। जेठानी जी, परी ने नादानी में जो कुछ भी किया उसका कोई मतलब नहीं था। हाँ, और वैसे भी मैंने अब उसको समझा दिया, वो कभी भी अब ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगी। परी को तो तुमने समझा दिया, लेकिन उसे सच्चाई तो ना बदलेगी ना। एक बात कहूं देवरानी जी, जिंदगी में हर औरत को एक सहारे की जरूरत पड़ती ही है। अब मुझे और जेठानी जी को देख लो, हम दोनों तो घर गृहस्थी में अपने खुश हैं, लेकिन तुम्हें देख कर ना बड़ा जी कटता है मेरा। तुम्हें भी तो खुशियां पाने का पूरा हक है ना, ऊपर से लव मैरिज अलग कर रखी है। अब देखो, मोहित भैया के साथ तो निभाना ना और उनसे आस रखना बड़ा ही मुश्किल काम, बिल्कुल ऐसा लगे है पत्थर में फूल उगाने वाली बात हो गई। वो तो रस्सी को भी सांप समझ बैठते हैं, फिर ऐसी शादी निभाकर कौन सी समझदारी का काम करोगी बताओ। जेठानी जी प्लीज, भगवान के लिए आप मुझसे इस बारे में कोई भी बात मत कीजिए। ठीक है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन बड़ी हूँ मैं तुम्हारी, सच में तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, समझाना हमारा फर्ज था। एक बात कहूँ ठंडे दिमाग से, एक बार सोच के तो देखो। मानना तो पड़ेगा ही तुम्हें देवरानी जी, तुम दूसरी शादी करोगी तभी तो इस घर और जायदाद से तुम्हारा अधिकार खत्म होगा। अब क्या सारा गुस्सा आदमियों पे ही निकालोगी? ठीक से करो, नहीं तो बाबू मारे को डांटी। अरे पति के जेब में से पैसे चुराना तो शुभ होता है। 2000 रुपए ले लेती। मैं कबला
निकाल लो और निकाल लो। देवर जी आप वैसे पति के रूप में फेल हो गए तो कम से कम दूसरों के कमरों में आने से पहले ऐसे खटखटा तो लिया करो। दरवाजा खटखटा के आता तो पता कैसे चलता? मेरी प्यारी मीना भाभी भैया की पीठ के पीछे उन्हीं की जेब साफ कर रही। तो आने मत मारो, अब ऐसे भी मियाँ बीवी के ना बीच में घुसने की कोशिश को नहीं करो। मुझे सीख देने से पहले ये बताओ कि मेरे और एमली के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश क्यों कर रही हो आप? सब सुना मैंने, हाँ कैसे उसे दूसरी शादी के लिए उकसारी थी आप? मैं कहाँ उकसारी थी, बल्कि मैं तो परीक्षा ले रही थी। परीक्षा? हाँ परीक्षा। मैं ये देखना चाह रही थी कि कहीं देवरानी जी परी की बातों में तो ना आ गई, मतलब वो दूसरे ब्याह के लिए के सोचती है के नहीं सोचती है, अब वो जानना भी तो जरूरी है ना। एक बात कहूँ देवर जी, अपनी चीजों पे ना हक जमाने से ही ना अधिकार मिले हैं। ऐसे चुप रहने से कुछ भी ना कहने से ना बातें ठन ठन गोपाल हो जाती हैं। चीजों पे हक जमाना सीखो देवर जी, आप समझ रहे हो ना मैं ये कहना चाहती हूँ। मिनड़ी जी 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 जब की बच्ची यही लगाऊंगा। क्या कर रही थी, क्या पट्टी पढ़ रही थी, बोल चुप। अच्छे से जान तो तेरी जो नजर है ना वो मोहित के गृहस्थी पे। हाँ और सुन, कान खोल के बात सुन, अपनी आदतों से बाज आ जा मिनड़ी। अरे बात तो सुन लो, पूरी बात सुनी नहीं समझी नहीं और सारा का सारा गुस्सा भी मिनड़ी पे निकाल दिया। अरे इन दोनों के रिश्ते में कुछ ना रह गया कि मैं थोड़ा सा तड़का लगा के मजे भी ले लूं। कुछ भी नहीं है, मैं तो अपनी गृहस्थी के बारे में सोच रही थी कि हाँ। वाह वाह वाह, अपनी गृहस्थी क्या सोचा, बोल क्या सोचा? मैं बताऊं, बाबू और बाबा साहब को लगता है कि जेठ जी जेठानी जी आप और मैं हम चारों ना अपनी घर गृहस्थी में काम काज में बिल्कुल ठीक है। इस घर में कमजोर कौन है? बेचारी देवरानी जी। पता है के? दोनों मिलके देवरानी जी के नाम पे ये पूरा का पूरा खर कर रहे हैं। ऐसे कैसे, इस बात के लिए मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। सुनो, अगर देवरानी जी दूसरी शादी कर लेती हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ से तो उनका पता कट, और आज नहीं तो कल ये घर पूरी कोठी हमारे नाम हो जाएगी ना। मतलब मेरे कहने का मतलब है आधी तो हमारे नाम होगी ना। ऐसे जाओगी पार्लर? शादीशुदा औरतें बिना मंगलसूत्र के अच्छी नहीं लगती। जता सकता है जिसने अपने फर्ज निभाए हो। एमली, कब तक ये दाना मारती रहोगी? बीता हुआ कल कोई वापस नहीं ला सकता, मानता हूं, लेकिन आज आज मैं यही हूं तुम्हारे सामने, और सच्चाई ये है कि कानूनन तौर पे हम पति पत्नी हैं, और एक पति होने के नाते तुम पे मेरा ये हक कोई नहीं छीन सकता मुझसे, तुम भी नहीं। नहीं जल्दी हो सके ये बात दिमाग में डाल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।